गाइस कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं उत्तराखंड देवभूमि में। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे बनने वाला है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शॉर्टकट बनेगा जो कि माउंट पार कर देगा और जिससे हमारा 1 से 1.5 घंटे का सफर दिल्ली और सहारनपुर जाने के लिए बच जाएगा। जल्दी जल्दी 1 से 1.5 घंटे की बचत होगी सफर में। बाकी आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं। और ये पूरा व्यू देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ऊपर तक जितने भी पेड़ थे सब काट दिए गए हैं। बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और आगे बहुत जल्दी यहाँ पे एक नया और नेशनल हाईवे बन जाएगा आप लोगों के लिए। शायद आपको टोल भी देना पड़ सकता है अगली बार, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। टोल देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बचाएगा। जो कि बाकी व्यू देखो, पूरा व्यू दिखाया जाए। आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं, अंदर का नज़ारा देखते हैं कि कैसा काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, सही चल रहा है काम या नहीं चल रहा। वो काम तो बहुत टावर तोड़ चल रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड। तो भाई देखो, टंकी लगा रखी है, ये सबसे छोटा शॉर्टकट बनेगा, सीधा निकलेगा। आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ है तो पैदल जा नहीं पाएंगे, यहीं से आपको दिखा देते हैं। गुफा बहुत ही बड़ी गुफा है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। कैसे बनाई है ये तो सिर्फ और सिर्फ मिस्त्री को ही पता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे गुफा है, साइड देखो गुफा। यहाँ से नेशनल हाईवे की कारें निकलेगी। नेशनल हाईवे जब बन जाएगा तो यहाँ से कारें निकलेगी और स्पीड से निकलेगी बहुत ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हो पीछे, देखो ये देखो पूरा देखो पीछे कितना बड़ा सेटअप लगा रखा है यहाँ पे, और पहाड़ी पहाड़ काट रखे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ काटे हैं। बहुत इन्वायरमेंट को भी फ़र्क पड़ा है। चलो चलते हैं आगे का व्यू दिखाते हैं आपको कि कार्य कैसे चल रहा है। सुरंग की तो बात हो चुकी है, सुरंग मैंने आपको दिखा दी है। दिखाता हूँ मैं आपको कि सुरंग से निकलने के बाद हम कौन से रास्ते से कहाँ से कैसे और कैसे जाएंगे, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। बिल्कुल ऐसे जाएगा सीधा, यहाँ पे बुलडोजर लग रखे हैं अपना काम करने में। बाकी आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं जल्दी। मैं उस साइड से जाऊँगा क्योंकि इधर से रास्ता बंद है। बाकी आगे का व्यू आपको देखने के लिए 1 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, जितना भी आगे पहाड़ देख रहे हो तो कट चुका है, यहाँ से पूरा हाईवे जाएगा, पूरा हाईवे जितनी नज़र आपकी दूर जा सकती है वहाँ तक देख लो। ये पूरा हाईवे उधर से ही जाए। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है एनवायरमेंट को, बट हाईवे के बनने से हमारा पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। जब यहाँ से थोड़ा एनवायरमेंट में तो एक तरह एनवायरमेंट का फायदा भी होगा। थोड़े बंदरों के घर भी जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे कि आप वीडियो को देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़े पहाड़ सारे। तो जैसे कि यहाँ
पे ट्रैफिक लग जाता है तो आने वाले टाइम में ट्रैफिक नहीं लगेगा। जैसे अब ये ट्रक रुक गया है बिल्कुल, तो ट्रैफिक लग चुका है, तो आने वाले टाइम में जब फोर लेन हो जाएगी तो ट्रैफिक नहीं लगेगा। ये रास्ता एक एक डेढ़ घंटे बंद हो जाता है कभी कभार ट्रैफिक से, जब NH4 बन जाएगा तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा। हमारे साथ बने रहे, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्द। जहाँ तक नजरें वहाँ तक नजरें घुमा लीजिए आप लोग अपनी, आपको एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। जहाँ पे वो डंपर खड़ा है वहाँ से निकलेगी सारी कारें। देख पा रहे हैं ये पहाड़ भी कट चुका है, यहाँ से लाखों पेड़ काट दिए गए हैं हाईवे बनाने के लिए, लाखों नहीं हजारों में, बट एक बार हाईवे बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। हमारा पेट्रोल डीजल की बचत होगी, सारे काम आसान होंगे, हमारे टाइम की बचत होगी सबसे बड़ी बात। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ आगे के लिए और नई वीडियोज़ के लिए।